है तो ये फिल्म 28 अगस्त को आ रही है, प्लीज़ जाके इसे देखिएगा। मैं हिंदी फिल्में भी करती हूँ और कई क्रॉसओवर इंटरनेशनल फिल्म्स भी की हैं, पर इस तरह की खूबसूरत फिल्म मैंने कम ही की है। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ इस फिल्म का हिस्सा होने में। पूरी फैमिली को जाके ले जाके साथ देखने वाली फिल्म है और ये ऐसी फिल्म है जो आपके दिलो दिमाग पे काफ़ी देर तक छाई रहेगी। मैंने कल रात को पहली बार देखी और आज पूरे दिन मैं एक बादल के ऊपर बैठी हुई थी, मुझे ऐसी फीलिंग आई। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल फिल्म। ये इंटरनेशनल फिल्म की तरह से है। मुझे ये फिल्म मराठी या मलयालम या तेलुगु या कन्नड़ा इस तरह का रीजनल फील नहीं है इसका, इसका बहुत इंटरनेशनल फील है। एक्चुअली ये जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ वो मराठी बोलता ही नहीं है। मेरा पात्र एक हिंदी स्पीकिंग कैरेक्टर है जो इस फिल्म का हिस्सा है, तो कोई आपत्ति नहीं आई। नॉर्मल, मेरे लिए ये एक नॉर्मल फिल्म थी। अभी तो शुरुआत है स्क्रीनिंग्स की, अब जब फिल्म आएगी तो पता चलेगा। कल नसीर सर आए थे देखने, नसीरुद्दीन शाह, और गोविंद निलानी जी आए थे, तो उन्हें तो बहुत पसंद आई। तो रियली आई मीन इट्स ब्यूटिफुल, बहुत ही अच्छी फिल्म है ये। आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा। बोलना बहुत मुश्किल है, ये बहुत ही मकड़ी के जाल की तरह है ये फिल्म। अगर एक साइड से खींचोगे तो दूसरा कोना भी हिल जाएगा, बहुत बारीक और डेलिकेट है ये। धक्का मुक्की वाली वैसी वाली फिल्म नहीं है, बहुत सिंपल भी है और बहुत पेचीदा भी है एक ही टाइम पे, बहुत मुश्किल है समझाना। तो हाँ, एक सेल्फी आर पार ऐसे कि जैसे ये हाईवे आपके दिमाग के अंदर जा रहा है, आपके अंदर जा रहा है और आपसे बाहर निकल रहा है। आप हाईवे पे हो पर हाईवे भी आपके अंदर है, ऐसा कुछ है। पब्लिक बताएगी कहाँ तक जाएगी फिल्म, पर जहाँ तक मेरी अपेक्षा है आई थिंक ये ज़रूरी नहीं है कि फिल्म कितने करोड़ कमाती है, ये ज़रूरी है कि कितने दिनों तक उसे एक इंसान के दिमाग में रहती है। Thank you.